सो देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले। ओके, सो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट फॉलोड बाय कंक्लूजन वन एंड कंक्लूजन टू इज गिवन बिलो। यू हैव टू टेक द स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ इट इज सेम्स टू बी एट वेरियंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट्स। ओके, सो आपको ये स्टेटमेंट के हिसाब से जवाब देना है, इतना लिखना है जितना कहा गया है कि रीड ऑल कंक्लूजन्स एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलोज फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट्स डिसरिगार्डिंग द कॉमनली नोन फैक्ट्स। तो आपको यहाँ पे वेन डायग्राम का इस्तेमाल करना होगा। ओके ओके सो ओके मुझे का पेन का कलर ही बदल देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, सम कैट्स आर अलमीरा। ओके, सम कैट्स आर अलमीरा, तो हम कैट को सी से डिनोट करेंगे। सम कैट्स आर ओके, एक सेकेंड। ओके, येलो वाला चलेगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम कैट्स आर अलमीरा, सम कैट्स आर अलमीरा, देन सम चेयर्स। ओके, सम अलमीराज आर चेयर, सम अलमीराज आर चेयर, तो हम चेयर को सी एच। ओ माय गॉड, व्हाई व्हाई इट्स हैपनिंग। ओके, ठीक है, डबल से मैं कर लेता हूँ। वो पेन का कोई शेप वगैरह ये हो रहा है। ओके, नाउ इट्स फाइन। सो देखिए यहाँ पे क्या गया, कहा गया है कि सम कैट्स आर अलमीरा, तो हम सम कैट्स सी सी से डिनोट कर रहे हैं। सो कैट्स आर अलमीरा, और अलमीरा को ए से डिनोट करेंगे हम। सम अलमीरास आर चेयर, तो सम अलमीरास आर चेयर, और चेयर को हम सी एच से डिनोट करेंगे। ऑल चेयर्स आर टेबल, सो ये जो सारे चेयर्स है ये हमारे सारे क्या है, ये हमारे सारे टेबल होने वाले। ओके, सो हम ऐसे टी से डिनोट कर लेंगे इसे। ओके, सो आप देखिए स्टेटमेंट क्या है, सर्टनली सम अलमीरास आर टेबल्स, सम देखिए सम अलमीरास आर टेबल। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये जो चेयर का पार्ट है वो कुछ चेयर भी और टेबल भी एक ही है, तो हम इसे मान सकते हैं कि पहला जो स्टेटमेंट है अलमीरास सही होगा। ओके, क्योंकि जो चेयर है वो टेबल भी है थोड़े से, तो वो अलमीरा का भी पार्ट हो गए, तो हम इस वजह से अलमीरा को कुछ टेबल्स है ये मान सकते हैं। फिर सम कैट्स मे नॉट बी चेयर, सम कैट्स कैट्स मे नॉट बी चेयर। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट एक तरह से सही है कि कुछ नहीं हो सकते हैं। ओके, कुछ नहीं हो सकते हैं, तो हम इसे भी सही मानकर चलते हैं। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर, कि बोथ कंक्लूजन वन एंड सेकंड विल बी राइट। ओके, विल बी राइट।